नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं काजल के बारे में या सुरमा के बारे में। काजल या सुरमा, जैसे आप सभी को पता होगा कि बच्चे छोटे होते हैं, मतलब एकदम से छोटे बेबीज भी जो होते हैं ना, उनको सभी को काजल लगाया जाता है। काजल के बारे में कई सारी कहानियां हैं। काजल कई बार कुछ, जैसे मैंने इसमें कुछ पढ़ाई की है, कुछ जैसे अनुभव है, कुछ हम लोग देखते हैं, तो काजल लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसको लेकर भी कई थोड़ा सा डिस्कशन है, कई कुछ विरोध भी है। जैसे हमने देखा कि बच्चों को लेकर जो जात परिचर्या या जातक कर्म परिचर्या बताई गई है कि बच्चों का जन्म होने के पश्चात जो भी सारे संस्कार उनके ऊपर किए जाते हैं, इनको लेकर बहुत ही तफावत आ गई है इस पिछले 15-20 सालों में। मैंने देखा कि जो बाकी के डॉक्टर्स होते हैं वो तेल लगाना, ऑयल पुलिंग करवाना, माथे पर तेल लगाना होगा या फिर गर्म पानी पीने का होगा, सभी हमने देखा कि प्रसूतिचर्या या सूतिका परिचर्या आयुर्वेद की बहुत ही एक अलग है। और आजकल के मॉडर्न युग में जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जो एडवाइस किया जाता है, वो काफी अलग है, डिफरेंट है। और इसीलिए मे बी वात रोग है, सूतिकागत है या बाकी सारी समस्याएं शायद बढ़ गई है। पहले के जमाने में सूतिका घर में होती थी तो इतना अलग माहौल होता था, कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता था। बाहर से आते तो पैर धो के आओ, ये करके आओ, एकदम से जाने नहीं देते थे बेबी के रूम में। बट आजकल तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को बदलाव भी करना जरूरी है। बट पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक स्नेहन, जो माथे पर तेल लगाने की जो एक हमारी प्रक्रिया थी, जो हम लोग ऑयल पुलिंग करते थे, कर्णपूरण किया जाता था, बच्चे को अच्छे से मसाज करके नहलाया जाता था तो उनके मसल्स वीक हो स्ट्रांग हो जाते थे, बट आज सब कुछ ये बंद हो गया है। सारे एडवाइस किए जाते हैं कि कुछ इन सभी की जरूरत नहीं, इसके साथ इन्फेक्शन होता है। इवन तो मैंने देखा कि गुटी जो हम लोग गुटी देते हैं ना बच्चों को, वो भी काफी मात्रा में कम हो गई और रेडीमेड ही कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, उसके ऊपर फंगस हो जाता है या कई सारे ऐसे होते। इसी के साथ एक काजल का भी मैंने देखा कि कुछ इसमें ऐसे माना गया है कि काजल लगाना बेनिफिशियल नहीं होगा, या जैसे हम लोग उसको एक इस तरीके से बताते हैं ना कि काजल लगाने से आंखें बड़ी होती है, आंखें सुंदर होती है, आंखों का चश्मा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह। तो ये मे बी प्रूव नहीं हुआ है, हमारे पास ऐसे कोई मे बी ये नहीं है ना, आंकड़े नहीं है कि इन लोगों ने बचपन में काजल का यूज किया था तो इन लोगों को चश्मा नहीं लगा है। बिकॉज चश्मा लगना एजिंग के साथ ही ये सारा चेंजेस हो जाता है आंखों में, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि काजल को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। एक बहुत ही प्रचलित तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी जो आप सभी ने देखा होगा। काजल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि काजल घर में ही बनाया जाता था और है और बनाया जा सकता है, बिल्कुल। जैसे कि घर में कोई महिला की प्रसूति हो जाती थी तो तुरंत तीसरे पांचवें दिन से, जैसे पांचवी की पूजा होती ना, पांचवें दिन की पूजा के पश्चात छोटे बेबीज को काजल लगाना शुरू हो जाता था और उसके लिए फिर घर के बड़ी महिलाएं जो होती थी वो खास करके घर में काजल बनाया करती थी। तो ये काजल कैसे बनाया जाता था, तो एक सिंपल तरीका है काजल बनाने का। कोई भी आप घी लीजिएगा, कोई भी तेल लीजिएगा, कोई भी घी तेल आप जो भी जलता है जलाने के लिए, दिया लगाने के लिए जो भी होता है ना, तो उसके लिए बस। और इस दिया लगाइएगा, आपके घर में जो भी दिया होगा आप इसमें तांबे का भी लगा सकते हैं, इसमें जो मिट्टी का होता है ना, मिट्टी का जो हम दिवाली के समय पे जो यूज करते हैं, क्या बोलेंगे उसको, तो इसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो ये दिया आपको लेना है, मिट्टी का वाला दिया, और इसमें आपको कॉटन की जो बाती आती ना, बत्ती आती है, बत्ती जो कॉटन की कपास की बत्ती, उसको बत्ती को लगा देना है, जला देना है आपको। और जलाने के पश्चात उसके ऊपर थोड़ी सी दूरी पर, अंतर पर आपको इस प्रकार से उसकी रचना करनी है, थोड़ी सी दूरी पर आपको एक प्लेट उसके ऊपर ढककर रखना है या दिए को कटोरी से पूरा ढककर रखिएगा, जो भी दिए की साइज के हिसाब से जो भी अच्छे से उसको कवर कर सके। तो ये जलने के बाद, यानी बाती जलने के बाद जो भी धुआं निकल कर आता है, इस धुएं को जैसे रात भर रखा जाता था और रात भर रखने के बाद जो भी प्लेट के ऊपर या कटोरी के ऊपर जो भी निकला जाता था उसको, जैसे सवेरे या फिर जैसे जितना आपने तेल डाला है, घी डाला है, जितने देर तक वो बाती जलती है, बत्ती जलती है ना, उतनी देर तक वो काजल ये होता है। फिर मैंने देखा कि 7 दिन में 15 दिन में थोड़ा थोड़ा सा काजल बनाया जाता था, उसको एक अच्छे से साफ सुथरी प्लास्टिक के डब्बे में भरकर रखा जाता था और उसी को बेबी को लगाया जाता था।
तो ये एक नॉर्मल तरीका है, आप किसी भी घी का तेल का इस्तेमाल करके घर के घर में ही काजल बना सकते हैं। काजल में बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? तो काजल में बिल्कुल जैसे घी है, गोघृत है, और घर का बनाया हुआ ही घी इसमें ज्यादा से ज्यादा पसंद किया जाता है, या कोई भी लाइक सरसों का तेल है, अलमंड का तेल है, तो जो भी तेल आप यूज करना चाहते हैं, तो इसमें मेरे विचार से तो सरसों का तेल ही बेस्ट रहेगा, जो आमतौर पर यूज किया जाता है, या लाइक बादाम का यूज किया जाता है, अजवाइन का यूज किया जाता है, तो ऐसे कई सारे तेलों का प्रयोग करके हम लोग काजल बनवा सकते हैं। तो मैं एक 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 जो ये है वो आपके सामने प्रोसीजर्स में रखना चाहूंगी। कितने प्रकार के काजल होते, कई सारे प्रकार के काजल होते हैं आजकल मार्केट में, आप देखेंगे तो पेंसिल, लाइनर और लाइक जेल का काजल होता है, लिक्विड बेस्ड रहे आजकल पेंसिल्स आते हैं, अलग अलग कॉस्मेटिक्स जो लोग यूज करते हैं ना, पेंसिल वाला है आपको, बट काजल और सुरमा दोनों में क्या फर्क है? काजल और सुरमा वैसे तो दोनों एक ही प्रोडक्ट है, सेम ही है, काजल थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, बट सुरमा ड्राई होता है, तो सुरमे को ऐसे लेकर लगाया जाता है, और दोनों ही आंखों के लिए फायदेमंद बताए गए। काजल क्यों लगाना चाहिए? बिल्कुल, काजल लगाने से आंखें स्वस्थ रहती है, प्रसन्न रहती है, बट जो जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों का कहना है कि आंखें बड़ी होती है, और ऐसा ऐसा तो कोई हमारे पास ये नहीं, बट निश्चित रूप से ये एक सुंदरता को, आंखों की प्रसन्नता को, स्वच्छता को बढ़ाने के लिए ही काजल मदद करता है। तो चलिए आगे बढ़ते कि काजल को बनाने का विधि क्या क्या है। पहला मैं मेथड बताना चाहूंगी, इसमें आपको लेना है बादाम। कितने बादाम लेने हैं आपको, जिस भी लाइक हिसाब से आपको बनाना होगा ना, लाइक कितना काजल बनाना है उसके विचार से आपको 3-4 अलमंड आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन के बारे में ये माना गया है कि अजवाइन बेस्ट है आंखों की क्लीनिंग के लिए। वैसे तो अजवाइन आप जानते हैं कि वेदना का शमन करता है, और ये एक मसाले के रूप में भी यूज किया जाता है, पाचक के रूप में यूज किया जाता है, दीपन पाचन का काम करता है, तो खास करके अन्नव स्रोतस की विकृतियों में इसका प्रयोग किया। बट यहाँ पर ये भी एक बात है कि ये अजवाइन का प्रयोग आंखों की प्रसन्नता को, स्वच्छता को, और एज ए एंटीबैक्टेरियल प्रॉपर्टी उसका यूज किया गया है। तो आपको क्या करना है, बादाम का लाइक आपने 2-3-4 अलमंड ले लिया, तो उसको आप कूटिएगा, पेस्ट बना दीजिएगा उसका पाउडर, फिर आपको जो अजवाइन आपने लिया है उसका भी पेस्ट बनाना है। अब आप एक रुई का फाया लीजिएगा, धागा लीजिएगा, एक कॉटन लीजिएगा, और उस कॉटन को थोड़ा फैला दीजिएगा, लाइक पीस उसका अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला, और स्टराइल जो आजकल मिलते हैं ना मार्केट में, वही लीजिएगा, और इसको थोड़ा सा फैला कर उसके अंदर ये जो पाउडर हमने बनाया है बादाम का और अजवाइन का, उसको लपेट लीजिएगा अच्छे से, उसकी बाती बना दीजिएगा, उसको रोल कीजिएगा अच्छे से, और रोल करके आपको वो बाती बनानी है, ठीक है। अभी आपको लेना है जो जैसे मैंने बताया तिल का तेल है, बादाम का तेल है, नारियल का तेल है, या घृत है, जो भी आप पसंद करेंगे, तो अलग अलग आप यूज कर सकते हैं। तिल का तेल आपने ले लिया, और फिर इस आप ले लीजिएगा आपका घर में जो भी दिया होगा, तो दिए मिट्टी का ही अच्छा है। इसमें एक और बात बताना चाहूंगी मैं, आप हम लोग दिवाली पे जो दिए जलाते हैं, तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि दिए लगा देते हैं तो मतलब रात भर में काफी सारा तेल नीचे गिर कर आता है, तो अगर नए मिट्टी के दिए होते हैं ना तो वो तेल पी जाते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, दिए यूज करने के पहले इन दियों को पानी में भर कर रखना है। तो एक दिन आपने ऐसे रख दिया पानी, तो उसमें से जो क्षमता होती है ना उसको ये करने की, शोषित करने की, वो पानी का शोषण कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट डे आप अगर इस प्रकार से दियो के लेते तो दियो में जो ये होता है लाइक तेल पीना होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी इस दिए का प्रयोग करिएगा, ठीक है। आपने दिया ले लिया, अभी आपने बाती लिया है, तो इस दिए में आपने जो भी तेल, तिल तेल लिया है वो डाल दीजिएगा भरकर उसको पूरी अच्छी तरह से, और इसमें ये बत्ती अच्छे से डाल दीजिएगा, बत्ती को पूरी तरह से तेल ये लगा लीजिएगा, फिर आपको इस प्रकार की रचना करिएगा, लाइक थोड़ा सा उसको इस लाइक कोई आपके घर में प्लेटफॉर्म होगा उस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, या फिर दियों का ही आप ऐसे करके एक रच 2-3 दिए बाजू में लगाकर, एक बीच में दिया लगा दिया, बाजू में 2 दिए, यहाँ से 2 दिए, यहाँ से 2 दिए, ठीक है। अभी आपको एक प्लेट लेना है, आपने दिए को लगा दिया मतलब उसको जला दिया, ऊपर से अच्छे से कटोरिया जो प्लेट होगी स्टील की उसको ढक दीजिएगा, तांबे का भी आप यूज कर सकते हैं, ब्रांज का भी, ब्रांज का भी अच्छा माना है, कांस्य का भी अच्छा माना है, कांस्य ये मेडिकेटेड माना जाता है, तो कांस्य धातु की बनी अगर आपके घर में प्लेट होगी या कटोरी होगी तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये करना है। आपके घर में ईट हो तो क्या करिएगा, इधर से ईट, उधर से ईट, और बीच में आपका दिया, तो ईट रखने से क्या होगा, प्लेट रखने में आपको आसानी हो जाएगी, या कटोरी रखने में आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये दिया जलाकर अंदर से ऊपर से कटोरी ढक दी, और थोड़ी समय बाद आपको मतलब थोड़ी समय इन द सेंस की जब तक दिया चलता रहेगा चलने दीजिएगा, नेक्स्ट
डे पे या जैसे 4-5 घंटे जैसे उतनी जितना तेल है दिए कि साइज इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाद में आपको देखना होगा कि प्लेट निकाल दीजिएगा, प्लेट निकाल देंगे तो पूरा प्लेट पर काला जम जाता है और ये ही काला जो जमा हुआ है दिस इज अ काजल। और इसको अभी आपको आराम से हल्के से निकालना है और आप इसको एक अच्छे से क्लीन डब्बी में भर कर रखेंगे और इसका इस्तेमाल आप डेली बेस पर कर सकते हैं। यहाँ पे ये पहली विधि मैंने बता दी। अभी थोड़ा मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कुछ एलोपैथी डॉक्टर्स काजल लगाने को मना करते, क्यों मना करते थोड़ा सोचिएगा। मैंने इसके ऊपर विचार किया तो मुझे लगा कि कई बार ये भी ठीक भी है। कई बार क्या होता है ना कि गाँव में वगैरह इतना बड़ा सा काजल लगा देते हैं बच्चों को, ऊपर से नीचे से यहाँ पर, और फिर पहले को छोटे बच्चों को गाल पर काजल लगा, पहले ऐसे ये नहीं यूज किया जाता था ना, मतलब आर्टिफिशियल बिंदी वगैरह नहीं यूज की जाती थी तो बच्चे को नजर ना लगे इसलिए काजल ही लगाया जाता था। कुछ माँ है तो दोनों साइड में यहाँ पर कई कई बार लगा देती है। तो कुछ मानना ये है कि आर्टिफिशियल जो बाहर जो काजल मिल जाते हैं ना उसको उसकी पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि उसमें लेड होता है, लेड शीशा, तो इस शीशे के कारण आंखों को कुछ नुकसान हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे रोते हैं और रोते रोते बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते तो हमेशा उनकी मूवमेंट होती तो हाथ से वो फिर आंखों की तरफ ये करते फिर वो काजल होता है फैल जाता है, ये सारी बातें उसमें होती है। कई बार बच्चा ऐसे अचानक से रोने लगता है, मैं भी इरिटेट होता होगा, आपने सभी ने अनुभव किया है कि हम लोग कभी बहुत ज्यादा ज्वेलरी या मोटे कपड़े पहनते हैं, हेवी कपड़े पहनते हैं तो हम लोगों को इरिटेट होता है कि नहीं भाई कब कब ये कपड़े और ज्वेलरी उतारते, और रिलैक्स अच्छे से आराम से अपने पसंद के कपड़े पहने। तो सेम थिंग बच्चों के साथ भी होती होगी, कई बार उनको परेशानी होती होगी और हमको समझता भी नहीं कि बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो भूख लगी होगी या ऐसे हम लोग सोचते रहते हैं, तो मे बी उस इरिटेशन के कारण भी, काजल के कारण भी वो रो सकता है। और इसी के कारण में अगर आप प्रॉपर केयर, और फिर काजल मैंने तो कभी देखा नहीं कि कोई रात हो गई तो चलो बच्चों का काजल उतार देते, ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग बच्चों को 24 आवर्स काजल लगाकर ही रख देते हैं, फिर दूसरे दिन नहाते समय ही उसको निकालते हैं। और कई बार फिर काजल निकालते समय देखिए आप इतना बड़ा काजल लगा दिया होगा तो काजल जल्दी निकलता नहीं, तो उसको निकालने के लिए फिर कपड़ा कॉटन रुमाल और पानी में लगाकर उसको घास घास कर घिस घिस कर आप ऐसे निकाल देंगे तो निश्चित रूप से ये ठीक नहीं होगा। और इसके साथ ही शायद ऐसे कुछ अनुभव को देखते हुए ही कुछ डॉक्टर्स काजल लगाने को मना कर देते हैं। मेरे विचार से तो मुझे ये रीजन कई बार थोड़ा ठीक भी लगा, बट आप प्रॉपर केयर के साथ हल्का सा काजल लगा दिया और उसको प्रॉपर केयर की तो मुझे लगता है कि ये ठीक मतलब रहेगा। और फिर मार्केट में जो काजल है कई सारी कंपनियां आयुर्वेदिक आजकल तो इतना मतलब तूफान मचा है कि हर कोई हर्बल और आयुर्वेदिक लगा देता है हर प्रोडक्ट के पीछे, और उसमें सारा इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो छुपा रहता है, उसमें सारे केमिकल वाला ही इंग्रेडिएंट्स होता है, एक आधा दूसरा हम लोग पहले वाला पढ़ते हैं उसको नाम देकर। बहुत कम कंपनियां हैं जो ओरिजिनल इस प्रकार के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना देते। आप आयुर्वेदिक लिपस्टिक जो ओरिजिनल अगर लेना चाहेंगे तो वो 700-800 में आती है। हाँ इसमें मैं कोई कंपनी का हम लोग कई मार्केटिंग नहीं करते बट मुझे लगता है कि संतुलन करके जो बालाजी तांबे जी की ये है प्रोडक्ट्स है काजल है उनका संतुलन का, वो सच में ही रियलिस्टिक है क्योंकि वो नेचुरल इससे बना है। अभी बटर की बात करेंगे तो बटर मार्केट का जो बटर होता है उसमें लवण होता ही नमक होता ही है, तो इसलिए आपको मक्खन भी यूज करना है घी भी यूज करना है तो आप घर का ही यूज करें। मार्केट में जो भी कॉस्मेटिक्स इसका एक बड़ा जाल होता है, बड़ा बड़े पैमाने पर जब कुछ करने जाते हैं ना लोग लाइक मार्केटिंग प्रोडक्ट्स बनाना लाइक उसमें कमर्शियलिज्म में तो ये बातों को नजरअंदाज किया जाता है, हमको बस फायदा दिखता है, हमको सस्ता माल चाहिए होता है तो हम लोग वो बनाकर छोड़ देते हैं, तभी कुछ लगता भी नहीं है, तो ऐसी सारी हरकतें चलती रहती है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि ऐसे कुछ आप अच्छे से कुछ प्रोडक्ट जो भी आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं ना वो आप सच में आयुर्वेदिक है क्या उसके अंदर वो देखकर ही यूज करें। और कई सारी बातें कई सारी चीजें तो हम लोग घर पर भी इजीली बना सकते, तो ये पहला तरीका मैंने आपको बादाम का इसमें बता दिया। इसमें दूसरा बता देती हूँ कि केवल बादाम को लेना है, केवल बादाम को लेना है 3-4-5 जितने भी बादाम है। अभी आपको आपने जो बाती बना दी है रूई की उस बाती को लीजिएगा, जो भी तेल यूज करना चाहे तिल का हो घृत का हो जो भी आपने दिए में इसमें भर दिया, बाती लगा दी अंदर, अभी आपने बाती को ये लगा दी जला दिया उसको। अभी बादाम को क्या करना है आपको एक छोटे से जो पकड़ आता है ना छोटा सा चिमटा होगा कैंची क्या बोलेंगे, तो उसमें आपको बादाम को पकड़ना है और बादाम को पूरा उस बाती के साथ जलाना है। बादाम जैसे जैसे जलेगा उसके ऊपर फिर आपको ये रखना है क्या बोलेंगे कटोरी लाइक प्लेट रखेंगे
ठीक है। तो बादाम को जलाते समय बादाम पूरा जल देना है, और उस जलने के साथ जो धुआं निकलता है उस वो धुआं प्लेट पर जाकर जम जाएगा। तो इस प्रकार से एक आलमंड को आपने जला दिया तो रख दीजिएगा, लाइक फिर धुआं ये हो जाता है ना, वो धुआं मतलब काजल ही होगा, दूसरा आलमंड, तीसरा आलमंड, ऐसे आलमंड जलाने से जो भी धुआं उस प्लेट पर जम जाता है वो भी आप काजल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आलमंड वाला पानी आपका बनाना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है इसमें चंदन का पाउडर आपको लेना है। चंदन का पाउडर आपने ले लिया, लाइक एक चम्मच चंदन का पाउडर ले लिया, उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, और आप कोई मसलिन वाला क्लॉथ या गॉज पीस ले लीजिएगा, उसमें उस चंदन के पेस्ट में अच्छे से उसको डुबो कर रखिएगा, डुबो कर रखिएगा, और दोनों तरफ से साइड बाय साइड रोल करके अच्छे से उसको भिगो दीजिएगा 2-5 मिनट के लिए, फिर निकाल दीजिएगा। निकाल कर उसको सूखने दीजिएगा आधा एक घंटा, लाइक डिपेंड अपॉन द वेदर एटमोस्फेयर के ऊपर, और उसको फिर से मतलब उल्टा सुलटा करके अच्छे से उसको सुखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने आलमंड का सॉरी ये चंदन का आपने ये कर दिया, उसमें चंदन का पेस्ट का आपने पूरा उसको ये कर दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये आपको लेना है, और ये जो मसलिन क्लॉथ आपने लिया होगा उसको आपने दिए में रखना है, ठीक है, दिए में उसको रखना है। फिर ऊपर से हम लोग उसकी बाती, जो रेगुलर बाती यूज करते हैं, वो बाती हम लोग डालेंगे, ऊपर से स्टील प्लेट ढक देंगे और उसको जला देंगे, और इस प्रकार से चंदन के बेस में मतलब चंदन का कपड़ा है उसमें तेल डाला है, उसमें हमने बाती डाली है, इस प्रकार से जो काजल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला वाला जो है अजवाइन, केवल अजवाइन आपको लेना है। अजवाइन को थोड़ा हल्का सा उसको मतलब ये कर दीजिएगा, मोटा मोटा पाउडर बना लीजिएगा, और बाती जो बनती है कॉटन की उसमें उसको भर दीजिएगा, अजवाइन की बाती बना दीजिएगा, और इसी अजवाइन की बाती को आप सरसों के तेल में भिगो कर, सरसों का तेल डालकर उसको जला दीजिएगा, ऊपर से प्लेट रखना, ये तो सभी में होगा, प्लेट रखे बिना आप काजल को पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट आगे है, इसमें आपको यूज करना है एलोवेरा का। तो इस काजल में बनाने के लिए आप जो ये डालेंगे ना, क्या बोलते हैं, घी या तेल डालेंगे, उस घी या तेल में दिए में थोड़ा सा हल्का सा एलोवेरा डाल दीजिएगा। एलोवेरा काफी अच्छा प्रोडक्ट है, एलोवेरा हम लोग बालों के लिए, स्किन के लिए यूज करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जहां जहां पर भी आपको आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट करना है, लॉन्ग लास्ट करना होगा, कई बार आईलाइनर लगाते तो दिन भर अगर रखना होता है तो हम लोग वाटर प्रूफ वाला या लॉन्ग लास्टिंग वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो वहां पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा हल्का सा ये एलोवेरा का जेल है आपके आईलैशेस पर लगा दीजिएगा, ऊपर से आपको मस्कारा आईलाइनर जो भी है, थीनर्स जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। तो जो ये एलोवेरा डालेंगे हम लोग तो ये लॉन्ग लास्ट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एलोवेरा का कई बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी आपको बेस चाहिए, कोई क्रीम बेस चाहिए, कुछ ऑयली बेस चाहिए, वहां पर आप इसका जेल का इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से ये एलोवेरा का भी आप जेल डालकर वो बना सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने इसको बहुत ही मतलब हम छोटे थे तो बहुत मैंने देखा है कि इसका बहुत उपयोग किया जाता था, कड़ू नीम के पत्तों का। कड़ू नीम इज द बेस्ट बेस्ट वन रेमेडी। कुछ आंखें लाल हो जाती थी, आंखों में कुछ अंजन नामिका स्टाई वगैरह आते ना, तो उसके लिए भी कड़ू नीम के जो क्या बोलेंगे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक नींबू नहीं बोलते हम लोग उसको, जो उसका फल होता है ना ग्रीन वाला छोटा छोटा, तो उसका ही रस डालकर आंखों की समस्याओं के लिए बहुत अच्छा वो रिजल्ट दिया करता था, उसका इस्तेमाल बहुत ही होता था। बट वही कड़ू नीम के पत्तों का उपयोग हम लोग यहाँ पर आगे काजल बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो कड़ू नीम के पत्तों का ये माना गया है कि अभी चैत्र का महीना आएगा ना, चैत्र के महीने में ही काजल को पकड़ना है, क्योंकि चैत्र के महीने में ही कड़ू नीम के पत्ते अच्छे वाले आ जाते हैं, तो इसी को आपको यहाँ पर ये करना है। इसमें आप 2-3 प्रकार है कड़ू नीम के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ कड़ू नीम के फूल का उपयोग कर सकते हैं, और तीसरी मेथड है कड़ू नीम का जो फल आता है निम्बोनी बोलते हैं ना, वो निम्बोनी का आपको यूज करना है। तो एक एक मैं बता देती हूँ। नींबू पत्र, नींबू पत्र को क्या करना है, आपको स्मैश करना है, नींबू पत्रों को अच्छे से मतलब उसको स्मूथ बनाना है, और रुई में कपड़े में बाती में इसको लपेट कर इस पेस्ट को भर कर फिर आपको दिए में लगा देना है, जला देना है, प्लेट रखना है, ये मेथड हो गया। नेक्स्ट वाला मेथड है फूल का मेथड। तो फूलों को भी इसी प्रकार से रुई के धागे में लपेट कर अच्छे से रैप करके उसकी बाती बना दीजिएगा, उसको तेल में आप जला दीजिएगा, ऊपर प्लेट रखकर वो जो बनेगा दूसरा वाला। नेक्स्ट है निम्बोनी का। निम्बोनी को भी अच्छे से धो दीजिएगा, सभी को धोना है, पत्तों को भी धोना है, फूल को भी धोना है, निम्बोनी को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, और निम्बोनी को
अच्छे से कूट लीजिएगा। इस कूटे हुए पेस्ट यानी जो भी पाउडर होगा इसकी बाती बना दीजिएगा, यानी कॉटन में उसको लपेट कर अच्छे से उसको रोल करके बाती बना दीजिएगा। ये बाती आपको दिए में डालकर उसको जलाना है अच्छे से, और ये जो बनेगा ये ऊपर प्लेट रखकर ये भी काजल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अजवायन, आलमंड, घी, मक्खन, एक इसमें ये भी है कि जैसे आपने कोई भी तेल या घी डालकर काजल बना दिया, तो जो भी काजल आता है ना वो बहुत कई बार थोड़ा ड्राई बनता है, तो लाइक इसको थोड़ा मॉइस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे आपने प्लेट में ही वो काजल है, थोड़ा सा हल्का सा घर का जो मक्खन होता है इस मक्खन को लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मक्खन इसमें डालिएगा इस प्लेट में, और इस प्रकार से हल्का हल्का स्मैश करते करते जितना आपका वो गाढ़ा होगा, बहुत पतला भी नहीं और बहुत लाइक ड्राई भी नहीं, ऐसे गाढ़ा बन गया ना तो उसको निकाल कर रख दीजिएगा। फिर थोड़ा मक्खन लीजिएगा, थोड़ा 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 ऐसे करके पूरी जो भी प्लेट है आपकी भरी हुई काजल से उसमें थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाकर, मक्खन क्यों लेना है, मक्खन लेने से क्या होगा काजल एक सेमी सॉलिड रूप में आ जाएगा और जिस प्रकार से आपको लगाने में आसानी होगी। और मैंने वही डिफरेंस आपको बताया कि काजल जो है ये एक सेमी सॉलिड आता है, और सुरमा जो होता है वो ड्राई पाउडर में जैसे आता है, तो सुरमा भी आप मतलब आंखों में ही लगाया जाता है, बट काजल को सेमी सॉलिड बनाने के लिए मक्खन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तांबे का उपयोग करना। तांबे का ही दीपक, तांबे का ही बर्तन होगा या तांबे का ही घड़ा होगा, उसको वहां पे डालकर उसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपको बादाम या बादाम तेल का उपयोग करना है, सेम थिंग, बादाम आपको गर्म करना है, उसको जलाना है, और नीचे बेस में बादाम तेल डालेंगे आप तो उसको जलाने के लिए, और बादाम जलते हुए जो भी काजल बनेगा उस काजल का प्रयोग आपको करना है, इसके लिए आपको तांबे का ही उपयोग करना है। दूसरा एक बताती हूँ मैं, कपूर। तो कपूर हम लोग बहुत जगह पर यूज करते हैं, तो इसी प्रकार से कपूर को आपको लेना है, दिए में डालना है, कपूर को जलाना है। कपूर को जलाकर जो धुआं उसका ऊपर से बन जाता है काजल प्लेट पे, वो कपूर का जला हुआ है। कपूर भी आंखों के लिए बहुत अच्छा माना है, बिकॉज कपूर में भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, इसीलिए हमारे टूथपेस्ट से लेकर कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कपूर होता है ना। तो कपूर ये वेदना का भी शमन करता है, इसलिए हमने कल के सत्र में भी देखा कि टूथहेक के लिए, दांत के पेन के लिए भी कपूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कितना मतलब इजी वे से और केवल 10-15-20 मिनट से हम लोग घर में ही काजल बना सकते हैं। तो काजल बनाने के लिए आपको इस प्रकार से कोई भी अच्छे वाला घर का घी, बादाम का तेल या लाइक सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, इन सभी का प्रयोग करना है। एलोवेरा जेल है, अलमंड है, तो अलमंड, एलोवेरा जेल, अलमंड में तो प्रोटीन अधिक होते हैं ना, अलमंड इसीलिए ब्यूटी के इसमें अच्छा माना गया है। और लाइक नीम का बहुत बेस्ट है, बिकॉज नीम तो आंखों के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो निम्बोनी, जैसे मैंने बताया निम्बोनी का, नीम का, दोनों का, तीनों का, आप पत्र का, कुड़ नीम का भी, आप कड़ू नीम के ड्राई जो पत्ते आते हैं ना उसको भी लीजिएगा, और ड्राई पत्तों के साथ ही मतलब उसको सिंपली जलाना है, ड्राई पत्तों के साथ ही रुई जो होती है ना, रुई का उसको लपेट कर दोनों का ही आप ऐसे बाती के जैसे बना दीजिएगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा क्योंकि हमने पत्तों को निकाला नहीं है ना, उसको उसके इसके साथ ही लिया है, काढ़ी के साथ ही लिया है, तो इस प्रकार से वो पूरा ही लिया है अपने प्लांट, तो उसको कॉटन के साथ रोल करके वो जो बाती बनती है उसको आपको जलाकर भी बहुत अच्छा आपका काजल घर के ही घर में बन जाता है। तो इस प्रकार से मेरे विचार से अगर घर के ही घर में आप काजल बना देते हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छे से थेरापेटिक भी इसका यूज है। आयुर्वेदिक हम लोग अंजन की अगर बात करेंगे तो अंजन अलग अलग प्रकार का होता है, लेखन अंजन होता है, रोपण अंजन होता है, प्रसादन अंजन होता है। अंजन यानी सेम थिंग, अंजन यानी कोई भी औषधीय द्रव्य पेस्ट जो है वो आंखों में लगाना, तो अंजन ही आयुर्वेद में अंजन का कॉस्मेटिकली तो प्रयोग है ही, बट कई सारे वैद्यों में भी हम लोग अंजन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया लेखन, रोपण, प्रसादन, यानी जहां पर जो भी जरूरत होगी वहां पर हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। तो मुझे मैंने देखा कि चरक संहिता में भी जो उन्माद अपस्मार है उसमें रुग्णों को तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करवाना बताया है, उसमें त्रासन चिकित्सा है, तो इसमें भी अंजन है, तीक्ष्ण अंजन का उपचार करना है ताकि वो जो एक मानसिक उसकी ये है ना उसके लिए तीक्ष्ण अंजन का उपयोग वहां पर बताया गया है। और आयुर्वेद में हमारे आचार्यों ने रसांजन का डेली उपयोग, रसांजन अष्टांग संग्रहकार बताते हैं कि नित्य हितकर वाला ही बताया है। बस जैसे मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से उसको बनाना है, और जहां पर भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होंगे वहां पर कॉन्ट्राइंडिकेट करिएगा, उसका ओवर यूज किसी का भी नहीं करना है,
और एज कुछ कई आपको लगे कॉम्प्लिकेशंस, कोई बर्निंग सेंसेशंस लगे तो तुरंत उसका ये कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा उपयोग। तो इस प्रकार से आई थिंक काजल हम आराम से घर में बना सकते हैं एंड इट इज नॉट ओनली फॉर ब्यूटी बट एक स्वस्थ रुतम में दिनचर्या में इसका धारण करवाना अच्छा माना गया है। और मुझे लगता है इसीलिए शायद आज के जनरेशन में 2-3 साल के बच्चों में चश्मा लग जाता है। हम लोग इसको इतने इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है चश्मा तो लगना है, ऐसे हमारी अभी मेंटेलिटी हो गई कि चश्मा तो लगना ही, मतलब बच्चों में चश्मा तो 70% हो गए, 50% भी नहीं बोलूंगी मैं, 70% हो गए। घर में सभी को चश्मे होते ही होती है। पहले ऐसे होता था कि चश्मा लग गया तो अरे चश्मा लग गया, ऐसे हम लोगों को अरे चश्मा लग गया ऐसे होता था, बट अभी तो नहीं होता है क्योंकि 2-3 साल के बच्चों को ही चश्मे लग जाते। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के रूप में भी मैंने इसको पढ़ाना चाह और एक अलग सब्जेक्ट था जो हम लोग डेली इसको डिस्कस करते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, अभी आप बताइए। मैम वेरी नाइस सब्जेक्ट, एकदम छोटा सा ही है पर अवेयरनेस चाहिए ना। यस यस वही तो छोटा सा ही है बट जब तो वो हम लोग यूज भी नहीं कर रहे ना इसको, छोटे से ही बातों को ऐसे हो गया। सही बात है मैम, आप बताइए आप कैसे, आपने यूज किया अपने बच्चों के लिए कैसी किया ना मैम। और एक मेरे रिलेटिव है उनका एक ये हाँ, भी बताती हूँ केस भी कि मतलब क्यों लगाना चाहिए काजल। शायद वो रीजन हो सकता है कि मतलब हमारे आंखों से जो जो स्राव निकलते हैं, अश्रु बोलते हैं जिसे हम, उसका प्रॉपर वहन होने के लिए लैक्रिमल डक्ट्स जो होते हैं उनके जो पोर्स होते हैं वो प्रॉपरली ओपन चाहिए। तो अगर वो ओपन ना हो तो क्या, हमारे रिलेटिव में ही एक केस हुई थी कि वो बच्ची की आंखों से मतलब पानी बहता ही रहता था विदाउट रीजन। अरे तो बाप रे, डॉक्टर ने हाँ खुद बताया था कि वहां पे जैसे हम अंजन डालते हैं ना वैसे वहां पे मसाज कीजिए, मतलब रोज 2 बार दिन में सुबह शाम। तो शायद अंजन डालने का रीजन भी वही होता होगा कि वो एरिया में अपने आप मसाज भी होता रहे, बिल्कुल बिल्कुल दृष्टि तो हो ही साफ। उसको ये कुछ ये कंडीशन है लैक्रिमल डक्ट जो होती है ना वो ये नहीं हो पाती है ना, उसमें एक कोई डिसीज है। बिल्कुल क्या मैम उसको लैक्रिडाइटिस या ऐसा कुछ हाँ बोलते हैं, ऐसे कुछ है ये, लैक्रिडाइटिस ही याद आ रहा है मुझे। यस यस उसमें भी वही होता है ना, यहाँ पे मसाज बता देते हैं, हाँ यहाँ पे यहाँ पे मसाज मसाज करने बता, के मुझे लिए भी याद मैम नहीं आ रहा वो नाम, बट ये बहुत कॉमन है वो डैक्रोसिस टाइप बोलते हैं। डैक्रोसिस्टाइटिस। हाँ डैक्रोसिस्टाइटिस, सही बात। करेक्ट करेक्ट। बोलिए माधुरी बोलिए, आपकी बेबी छोटी है ना, आपने क्या लगाया? मैम मैंने तो वो जाहिल काजल लगा, क्या लगाया? जाहिल जाहिल काजल, अच्छा हाँ। वही लगाया था लाल, पर आंखों में ज्यादा नहीं लगाया था, ऐसे बोलते ना हाँ थोड़ा क्या लगाया था, पर एकदम भर भर के नहीं लगाया था। बिल्कुल। रेखा जी आप बोलिए, आप शायद अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करती है, कौन सा काजल यूज करती है? नमस्कार मैम, मैं तो रेडीमेड ही यूज करती हूँ, मैं ये वाला नहीं यूज किया कभी भी, लेकिन अभी अच्छा लगा एक चीज। मतलब मैंने तो अभी अटेंड ज्वाइन अभी किया है, एक चीज ये बनी जैसे आपने कपूर का बताया ये, तो अगर आई मसल्स में पेन है किसी को तो वहां पे भी हम इसको लगा सकते हैं। एग्जैक्टली वेरी नाइस, बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल आई मसल में पेन हो, आंखें थक जाती है रात के शाम के समय में, तो आंखों के लिए तो हम लोग त्रिफला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, त्रिफला का धावन वगैरह बताया है ना, वो भी कर हाँ सकते हैं। जी हाँ जी और बोलिए सभी लोग, अलका जी, हर्षा जी। मैम एक केस पूछू क्या मैं जरा थोड़ा? हाँ पूछिए ना, नीलम जी आप बोलिए मैम, नीलम पवार, डॉक्टर नीलम जी। मैम एक है ना केस 2 महीने से चल रही थी, उसका है ना यूएसजी रिपोर्ट था, फोकल एडिनोमायोसिस था, मतलब क्वेरी लिखा था उन्होंने, फोकल पोस्टीरियर फंडल यूट्रो मायोमेट्रियल थिकनी विथ इनडिस्टिंक्ट हेटेरोजेनियस इको स्ट्रक्चर, और क्वेश्चन मार्क करके ऐसे फोकल एडिनोमायोसिस लिखा था, और साइज था 2 x 1.1 x 1.6 सेंटीमीटर। अच्छा तो और दूसरा लिखा था नाइबोथियन सिस्ट अप्रोक्सीमेट 6.8 mm का था। तो अभी मैम क्या हुआ, उस पेशेंट को आए तो मेरे से ट्रीटमेंट लिया था उन्होंने, पहले उनको पहले एसिडिटी, बहुत डकार ये सब आ रहे थे, तो मैंने फर्स्ट वीक दिया था
सुचेकर रसपाचक और गिरीज टैबलेट रहता है ना, शुद्ध गिरीज और अभिपत्ति कर चूर्ण, ये चलाया था। तो ये चल और द्राक्षास सिरप, ये चलाने के बाद हफ्ते के बाद वो आए तो उनका सब सिम्टम चले गया, भूख अच्छी लग रही थी, मतलब मोशंस भी अच्छे साफ हो रहे, ठीक लग रहा था। और फिर बाद में मैंने कांचनार वरुणादि काढ़ा ग्रंथिरज वटी चंद्र प्रभा ऐसे है ना चलाया था, और अभिपत्ति कर चूर्ण उसमें नाग केशर आंवला दारू हल्दी और मुस्का डाला, फिर ना ऐसे कांचनार और रक्त पाचक फिर गंधर्व हरितकी चला के, और फिर त्रिफल रस पाचक मांस पाचक बोलते हैं ना जटामांस की टैबलेट भी मैम दिया। पर मैम का पीरियड आता है आया, फिर फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पीरियड आता तो उसको थर्ड डे को वैसा ही कष्टार्थव का केस है, ये बहुत पेन होता है, और फिर उसको इंजेक्शन लेना पड़ा। पर जो मेरे ट्रीटमेंट के बाद उसको इंजेक्शन है, पर अभी दूसरा पीरियड आया ना उसका फोन आया, बहुत पेन हुआ उसको, तो दो दिन से इतना पेन हो कि उसने इंजेक्शन ले लिया इसका। और वो लेडी है 49 ईयर ओल्ड, मतलब 50 तलक है, उसका मेनोपॉजल हुआ नहीं अभी तक। तो मुझे अभी समझ नहीं आया, मैं अभी यूएसजी रिपीट करने वाली हूँ कि वो, और एक मात्रा बस थी मैंने की थी 29 दिसंबर को, अभी 2 तारीख को पीरियड आया और वो बहुत पेनफुल, मतलब पूरी इतना रोने जैसा था, आप मतलब आपका कुछ ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है वगैरह ऐसे बोल रही थी। तो अभी मुझे और वो बस्ती के लिए भी मैम मेरा टॉयलेट बाहर है, मैंने मात्रा बस्ती ही दिया था इसका सहचर ऑयल का है ना वो दिया, उसको बोला था कि मैं 7 दिन ले लो तुम लगातार बिफोर पीरियड है ना जरा ले लो, तो नहीं एक ही दे दो आप एक ही दे, तो फिर 4 दिन पहले ही एक ही दे लिया। तो फिर मुझे लगता है कि एक बस्ती से काम नहीं हुआ होगा मैम, ऐसे लग रहा है। अभी क्या बोलती है वो, पेन बोलती है, क्या बोल रही है, मतलब कंप्लेन क्या है? वो बोल रही है बढ़ गया है पेन आपके ट्रीटमेंट से, इसलिए मुझे अभी स्ट्रेस है कि क्या करूँ, मैं गायनेक को रिफर करूँ कि क्या करूँ, उसको समझ नहीं आ रहा है। और बेसिक केस किसका था ये तो ठीक है, बट पेशेंट कंप्लेन क्या लेकर आई थी आपके पास? स्टाफ का वो बोलती है सेकेंड थर्ड डे के साइकिल है ना, सॉरी मेंसेस के सेकेंड थर्ड डे बहुत पेन होता है, हर टाइम डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लेती है मैम हर बार मेंसेस। मैम पेशेंट का एज और उसके कितने बच्चे वो बताइए। मैम उसका कैसा है, 3 साल से ये कंप्लेन है, और उसको है ना नौशिया वॉमिटिंग फीवर कुछ नहीं था, और हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन जाती थी, 1 गिलास पानी पीने के बाद ही उसको मोशन होता था, वो ठीक से साफ नहीं होता था, पर अभी मेरे मेडिसिन से वो साफ होने लगा है। और ये पेशेंट को निद्रा नाश मतलब जागरण की बहुत आदत है मैम, इसका हेतु बता दिया आपको, मतलब 3 बजे सुबह सोएगी और 4 बजे तक जागती रहेगी, उसको पता नहीं बहुत सालों से आदत है उसको नींद ही नहीं। और दूसरी चीज वो सुबह उठेगी ना तो बहुत देर से ना, मतलब 8-9 बजे मतलब बोलती है उठते, फिर दोपहर को नहीं सोती, दीवार स्वाप नहीं है उसका पैटर्न ही, ये 25 साल से ऐसे मतलब स्लीप का है, सिर्फ 2-3 घंटा ही स्लीप है। और तीसरी चीज ना दीवार स्वाप उसने बोला था बाद में, अभी शुरू शुरू किया था उसने 1 घंटा दोपहर का। और मैम एक है उसकी हिस्ट्री में है 2 बच्चे जो नॉर्मल डिलीवरी, बट बिफोर 2 किड्स शी हैड 3 एबॉर्शन उसने, और वो 3-4 मंथ्स के इसमें गैप में हुए थे ऐसे उसको ये प्रीवियस, और मतलब और वो ये क्या था डीएनसी करके बोलते ना मैम, और वो बच्चे जो थे सॉरी 3-4 महीने के इसमें प्रेगनेंसी में ये किए थे अबॉर्ट 3-4 महीने के। अभी एज क्या है उनकी? 50 50 पकड़ी 49 50 हो गई मैम। मुझे तो ये टिपिकली थोड़ा सा मेनोपॉजल भी है और कई एशरमैन सिंड्रोम करके जो आता है ना, या फिर लाइक एडहेशन वगैरह बढ़ गए होंगे तो इसी के कारण भी कष्टार्थव तो का ही है टिपिकली ये तो केस। आपने थायराइड प्रोफाइल वगैरह किया? हाँ मैम थायराइड प्रोफाइल किया, वो नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, हेमोग्लोबिन 10.5। एनी अदर साइकोसोमेटिक कंडीशन और एनी हिस्ट्री ऑफ एनी स्पेसिफिक मेडिकेशन कुछ लेती है पेशेंट? साइकोसोमेटिक एक्टिव लकी लेडी है, और उसके खाने में मालूम रोज कड़धान्य को मैंने सब बंद किया, और उसी पे उसके कभी ये नहीं था। पर मैम ये अबॉर्शन बोलते ना वात प्रकोप की हिस्ट्री है उसका, बोलते ना ये वात प्रकोप तो दिखते रहा है, बिल्कुल वात प्रकोप है कि क्योंकि इतना जागरण। कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की भी हिस्ट्री है क्या मैम? नहीं 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 मैम वो पूछा था वो मैम एक बार इनका मैम कार्सिनोमा टेस्ट जरूर करवाइएगा, एडिनोमाइसिस में अक्सर मिलता है, सीए जरूर करवाइएगा मैम, सीए 125 शुड बी डन।
CA125 अच्छा और कौन सा? इट शुड बी रूल्ड आउट मैम. एडिनोमायसिस में अक्सर पेशेंट मैलिग्नेंसी की तरफ चला जाता है मैम. ओके पेन है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है. हाँ मैम कुछ ना कुछ है मैम. उनको ना अभी थोड़ा विरेचन दे देंगे तो आई थिंक पेन भी कम हो जाएगा ना. त्रिफला आंवले से या अभी पत्तिका चूर्ण से विरेचन दे दीजिएगा. एक दशमलारिष्ट चला दीजिएगा और मुझे लगता है चंद्रप्रभा वटी एक एक एकेटी मैम एकेटी जरूर चलाइएगा मैम 5-7 days. ओके ठीक है इट हेल्प्स आउट मैम. सूक्ष्म त्रिफला जरूर दीजिएगा मैम. मतलब ये पीरियड के पहले चलाऊं ना जरा एक हफ्ता 10 दिन है ना. यस यस और पीरियड के पहले अगर हो सके तो मात्रा बस्ती जरूर दीजिएगा एक बार फिर से ना पेशेंट को. मैम मैंने अभी वही समझाया आप ले लो हफ्ता भर रोज ले लो तो फिर बोलते ना बहुत रिलीफ आएगा. अभी पता नहीं अभी ये CA125 में करती हूँ. मुझे ये फर्स्ट ही केस है मैम. मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं मैम. एक्चुअली एडिनोमायसिस का मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैम उसमें एक बार जरूर रूल आउट होना चाहिए मैम. एडिनोमायसिस वाले पेशेंट अक्सर मैम कार्सिनोमा जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैलिग्नेंसी की तरफ टच रहती है मैम. ओके ओके ठीक है अच्छा हुआ. अभी कोई तो कोई ना कोई गूगल चाहिए ही इसमें जरूर चाहिए. गूगल कल्प एक तो चाहिए बिल्कुल चाहिए और एक हफ्ता AKT जरूर रखिएगा मैम. अच्छा त्रिफला अमृता आदि गूगल और किशोर गूगल मैम. अच्छा ये भी और मैम बस्ती फिर मात्रा बस्ती ये मेरे कौन सी चला उस अचर ऑयल है मेरे पास वो तो चलेगा वो सी चलेगा कोई भी तेल चलेगा वैसे तो ना मतलब अश्वगंधा बला कोई भी चलेगा है ना? अगर रेडी हुई तो अभी आज मैं उसको अश्वगंधा बला ज्यादा अच्छा रहेगा कि बिकॉज एज पर द एज शी इज डिक्लाइनिंग एज में है मेनोपॉजल एज में है ना. हाँ मैंने वो बोला मैम कि मेनोपॉज भी होगा पर इतना कष्ट आता मतलब कोई तो आईडी में अभी मुझे डाउट आया कि क्या नहीं तो गायना. एक और बताइए कि उसका मेंसेस का पैटर्न कैसा है मैम. मेंसेस है ना उसको 3 या 4 दिन रहता है मतलब हर महीने बराबर तारीख से ही आता है पर जो उसको पहले ही आने के पहले ही थोड़ा थोड़ा पेन मतलब फीलिंग आता है और फर्स्ट 2 डेज थोड़ा माइल्ड मतलब रहता है बेरेबल रहता है और जो थर्ड डे रहता है उसको इतना बोलती है बोले जान जाएगी ना वो बोलती मेरी जान जाएगी इतना रोने पर. इसका स्टेज सीवियर एडिनोमायोसिस का स्टेज है फिर इसका मतलब इतना पेन और ये है तो अभी मैंने मैम आपको साइज बोला था ना फोकल पोस्टीरियर फंडल यूट्रो मायोमेट्रियल थिकनिंग ऐसा है विथ साइज तो बड़ा नहीं है बट फिर भी मैम एक बार रूल आउट जरूर कर लीजिए. ठीक है 2 × 1.1 × 1.6 cm मुझे लगा था बहुत बड़ा नहीं है ऐसा ये था. ठीक है फिर भी मैं देने वाली मैम एक बार रूल आउट जरूर कर लीजिए मैम. इतना पेन है तो पेशेंट को मैम. और ये कहीं ना कहीं त्रिदोष इम्बैलेंस है अग्निमांड है आम बना है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी है इसमें तो जरूर आपको ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा मैम. इसमें थोड़ा मुझे लगता है ना लोध्र अशोक भी काम करेगा. लोध्र अशोक का आप ना क्वाथ दीजिएगा. अशोक और लोध्र का क्वाथ दो क्या? हाँ क्वाथ दीजिएगा. और दिनचर्या में बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत जरूरी है. उसका पेट साफ हो उसको आम अग्नि बांधना हो उसको अच्छी नहीं वो तो मैंने मैम उसका पथ्य जो पैटर्न है ना वो सब बदला वो सब उसने लाया. उसको एक्सरसाइज नहीं करती थी सुबह धारण ना करे वो और पानी वगैरह भरपूर पिए नींबू पानी कुछ थोड़े से स्पाइसेस यूज करे लाइक अजवायन क्यूमीन जो कि वात का शमन भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो मांस धातु देखिए यहाँ पे एडिनोमायोसिस इन द सेंस मांस धातु की वृद्धि ही मानेंगे लोग तो है ना टिपिकली तो अग्निबांध जनित संप्राप्ति भी है और मांस धातु की वृद्धि हुई है तो आप एक बार रस रक्त पाचक और फिर आगे मांस पाचक का भी जरूर सोचिएगा. और जैसे मैंने दिया मैंने कंचना कुगुल भी दिया था ये इसमें डाल के. गुरुचि भी अच्छी काम करती है. लोध्र अशोक गुरुचि का चूर्ण भी दे सकते हैं आप इसको. ये तीनों द्रव्य अच्छे ड्रामेटिक काम करेंगे तीनों अशोक लोध्र और गुरुचि बिकॉज कषायतिक्त रस के साथ रोपण में भी काम करेंगे धातु का क्षरण भी करेंगे माउस का अतिरिक्त जो बड़ा है इसके कारण कोई ना कोई जो वहां पे ये बनाए ना लाइक एडिनोमायोसिस इज जस्ट वृद्धि ही है एक प्रकार से और जिसके कारण फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है ना मार्गावरोध होगा तो फिर वहां का जो भी लाइक ये पूरी एक्टिविटीज है
उसमें अवरोध आता है जिसके कारण मेंसेस का अगर जब ब्लड फ्लो हो रहा है मतलब उधर उसको घर्षण हो रहा है ना संघ है तो फिर वो पेन होता होगा बिल्कुल। अभी मैंने उनको बोला बहुत टाइम लगे बट उनको है कि पेन कम करो कुछ भी करके मैं इसीलिए अशोक और लोध्र भी अशोक और लोध्र पत्रांगासो या अशोकारिष्ट दोनों को कंबाइन करके भी आप ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंसेस दे सकते हैं। पत्रांगासो और अशोकारिष्ट को कंबाइन करके दो दो चम्मच ऐसे दीजिएगा फिर देखते। मुझे लगता है ये केस आपने एक बार बताई थी ऐसे कुछ केस ना जो रात रात में देर से सोती है और कुछ ऐसे बताया था। बताई थी मैं वही थी तो फर्स्ट ठीक हो गया था अभी ये सेकंड में वापस उसको मतलब सब रिलैप्स हो गया तीन अच्छा सेकंड साइकिल में मतलब ये हुआ तो इसलिए भी मैं बोली नहीं हम लोग सोनोग्राफी करेंगे और ये CA-125 भी करवा देती हूँ। ओके मैम ओके तो नीलम जी आपका वो पेन वाला केस आया क्या फिर से? नहीं मैम वो नहीं आई मैम। अच्छा मैम ये जो अशोक गोडी जी का क्वाथ बोला है इसमें कितनी डोसेज रहेगी? सर आपको काढ़ा जो बनाना है ना 15 ml तक बना दीजिएगा इस प्रकार से उसका इंग्रेडिएंट्स ले लीजिएगा। 15 ml तक आपको देना है उसको बीड़ी देना है। ओके मैम खाली पेट या फिर खाने के बाद? इसे खाने के बाद ही दीजिएगा। थैंक यू मैम। यस और बताइए मैम नीलम जी और कुछ आपका? नहीं मैम। आपका काजल मैंने बनाया था मैम इस पर। कैसे बनाया था बोलिए? ये आपने जो लास्ट वाला वे बताया था एक्चुअली मैम मैंने भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही बनाया था। वो अब की बार जब भाई के बेटा हुआ तो आई मेड देयर। वेरी नाइस अच्छा लगा होगा फिर ऐसे कुछ करते तो। फर्स्ट टाइम बनाया था मुझे भी नहीं आता था मैम। मेरी जो मेड थी ना वहाँ वो जो मालिश वालिश करने आती है शी मेड दैट तो उसने कॉटन लिया उसमें सारे नीम के पत्ते और अजवायन सब कॉटन में भरा बहुत मोटी सी बात बनाई एंड देन डिप्ड इनटू द घी पे बना के और फिर उसने उसे बनाया मैम। अच्छा ओके पूरी रात वो जला और फिर सुबह उसे वो लगा रही है काजल उसको बच्चे को लगा रही है आप? यस मैम वो लगाते हैं मैम। अच्छा तो मतलब कुछ आपको ऐसे आप जैसे बता रहे हो ना मैम मक्खन ऐड किया तो आजकल कोई वो ग्लिसरीन बेस्ड आई कैप्सूल्स आते हैं मैम यहाँ पे वो उसने ऐड किया उसमें मैम। इससे अच्छा आप कोरफड़ का ले लो ना एलोवेरा जेल ऐड करो। मुझे नहीं पता था मैम आपसे पहले कभी बात नहीं हुई ना एक्चुअली वो उसी ने बनाया था मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वो। अच्छा ठीक है फिर अभी आप आगे से बनाएंगे तो ये यूज करिएगा मक्खन डालिएगा एक बटर यूज करेंगे मैम बटर और वो भी घर का ही मक्खन डालिए जरूर और वो बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी बातों से। ये मुझे आज पता लगा मैम बटर का। हाँ सर घी भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन मैं बता दूं आपको अगर आपको मक्खन नहीं मिले ना तो त्रिफला घृत बिकॉज त्रिफला इज आल्सो गुड फॉर हेल्थ और आईज के लिए भी अच्छा है मैम। तो फिर इसे बनाने के लिए जो घृत हम लोग दिए में यूज कर रहे हैं वो त्रिफला घृत ही यूज कर दें सीधे सीधे? कर सकते सर ऐसा तो कुछ कहीं पर नहीं लिखा है कि नहीं यूज करना है बट हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं जरूर कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल जरूर करिएगा है ना। बट ये अच्छा लगा मतलब बादाम वाला भी अच्छा लगा और कपूर वाला है तो और दूसरा इसमें फिर आप फिरेड़ा भेड़ा मुलेठी रसोट ये भी सब एरंडी का तेल बादाम का तेल ऐसे सारा इंग्रेडिएंट्स लेकर भी बाद बनवा सकते हैं। तो मेरे विचार से आपको जो भी जिस दोष की भी समस्या लग रही हो या उस बच्चे की या कोई भी बड़ा व्यक्ति हो उसकी जो भी प्रकृति लग रही हो इसके हिसाब से चिकू यस मैम बोलिए। ये भी आप मुझे क्या लगता है ना कि जैसे जो भी रिक्वायरमेंट है दोष आपको लगता है प्रकृति लगती है उसका शमन करने वाले द्रव्य जैसे आमले की रसायन है त्रिफला रसायन माना गया है तो उसका घृत या उसका भरत चूर्ण लेकर आप वैसे ही बाद बना दीजिएगा और उसको जलाकर उसका काजल बनवा सकते हैं ना उसमें क्या प्रॉब्लम है ना नीलम जी रेखा जी केतकी हाँ रंजित मैम बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बोलिए मैम। आपने ना मेरी आईसाइट वीक है तो आपने ना त्रिफला घृत और सप्तमृत लो मेरे को बोला था और बृहत मस्कादिक चाय भी बोला था मैम तो मैम मुझे पूछ
माय सन इज ट्रेलिंग द मेडिसिन फ्रॉम बिहाइंड मैम. मेरा बेटा पीछे से मेडिसिन रिपीट कर रहा है कि ब्रेथ पास कादि कसाय भूल गए मैम. वो हमेशा रिपीट करता है आइस वाली जो मेडिसिन जब भी आपने वो अच्छा, बोला कंप्लीट रिपीट कर रहा है ना, आप उसको देते हैं ना शायद. मैम क्या बोला है मेडिसिन उसे त्रिफला ग्रोथ क्या बोली मैम ने कौन से ट्रीटमेंट मैम जो आप मेडिसिन बतानी है ना मैम मैं अपने बेटे को देती हूँ आइस के लिए ना इसके आइस में माइल्ड सा स्क्विंट था. अच्छा अच्छा तो वो पीछे से रिपीट कर रहा है कि मैम आप ब्रेथ पास कादी कसाय भूल गए मम्मी. ओके वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट वो लेता है ना मैम इसलिए. हाँ इतने खास स्मार्ट है तो बच्चे भी होंगे जरूर. कितने साल का बच्चा है मैम? ही इज इन 9th क्लास. ओके ओके अच्छा बोलिए रंजीत मैम आप क्या कह रही थी आपका आईसाइट का क्या हुआ बताइए. तो मैम मतलब पहले से तो ठीक है तो वो मैंने पूछना था कि आपने अभी बोला कि हम त्रिफला ग्रीत भी यूज कर सकते हैं तो फिर मतलब खाने के लिए और इसमें भी यूज कर सकते कोई प्रॉब्लम तो? बिल्कुल खाइए मैम जरूर खाइए. एक मैं आपको ना अभी कल के इसमें मैं लूंगी वो अंजन वाला या अश्वतन वगैरह कुछ ऐसे आंखों के लिए जो स्वास्थ्य पूर्ण है लाइक त्रिफला का शय से धावन करना है यष्टि मधु का घृत सेवन करना है दाढ़ीम है या ऐसे कुछ जो भी है ना वो मैं बताऊंगी. बट आप क्या बोल रहे थे त्रिफला ग्रुप खाने का मैम जरूर खाइएगा जरूर खाइएगा आपको बहुत तो मैंने पूछना था कि जैसे आपने अंजन के लिए बोला तो फिर त्रिफला ग्रित भी मतलब वो भी यूज कर सकते हैं ना इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस यस आप और त्रिफला का काढ़े से ना बीच बीच में हफ्ते में एक बार आप ना सच में बताओ त्रिफला का लाइक बाल धोने के लिए बालों में जो मास्क लगाना है पेस्ट लगाना है पैक लगाना है हेयर पैक के लिए आंखों को बीच में मतलब बीच बीच में धोने के लिए त्रिफला का जरूर उपयोग करिएगा आप अच्छा आपको लगेगा मिलेगा रिजल्ट. और च्यवनप्राश जरूर खाइएगा. यस मैम रसायन हाँ बोलिए. तो मैम एक जो पेशेंट थी जिनको पिचू धारण करवाया था तो उनको मेंसेस इस बार भी नहीं आए तो उनका टेस्ट भी नेगेटिव है तो फिर अब मैम क्यों हो रहा है फिर ऐसे? अभी 2 महीने चली ना ट्रीटमेंट. मैम मात्रावस्ती भी दी थी इस बार चंदन बला लाक्षादी तैल से पिछली बार अकेले चंदन बला तैल से दी थी मैम. अच्छा तो 2 महीने हो गए ना उनको हमने दिया है मात्रावस्ती. एक्चुअली मैम 3 मंथ हो गए पहले फलग्रीत से अकेला पिचू धारण करवाया था. अच्छा ठीक है फिर अभी उनका मैसेज आ गया आया नहीं है पर और फिर नेगेटिव है यूपीटी भी नेगेटिव है. यस मैम तो जस्ट वेट करते हैं ना क्यों देना कुछ मेडिसिन कितना देना आई थिंक जस्ट वेट करते हैं वेट करेंगे तो ठीक रहेगा. क्यों अभी फिर से मेसेज आने के लिए दो फिर से नहीं देना है आई डोंट थिंक क्योंकि कुछ कुछ में नेचुरली वो बनता नहीं है तो ये लगता है मतलब समय लगता है ना. यस मैम अभी क्या चल रहा है फिर उनको? मैम अभी तो उनको पुत्र जीव को और शिवलिंगी बीच चूरन चल रहा था और वो सब कुछ बंद करिएगा आई थिंक सब कुछ बंद करके हम लोग जस्ट वही मतलब नॉर्मल पे रखिएगा विदाउट मेडिसिन वेट एंड वॉच करते फिर. ओके मैम एक बार फिर से फिर फ्रेशली स्टार्ट करते उनका मेंसेस आने के बाद. ओके मैम मैम अभी मेंसेस के लिए भी कुछ नहीं देंगे फिर उनको? नहीं देना आई डोंट थिंक कुछ देने की जरूरत है. बट कैसे लग रहा है उनको पहले के जैसे क्या है लक्षण में क्या बदलाव आया है वो बताइए जरा. मैम उनके मतलब उनकी प्रॉब्लम तो ठीक है लेकिन उनको मेंसेस जैसे अभी नहीं आए तो उनको मतलब पॉजिटिव ही थे वो बिल्कुल इस बार तो पहले तो वो स्ट्रेस रहते थे और उनको जो पेन वगैरह भी था वो भी ठीक था तो अभी मतलब उनको भूख वगैरह भी अच्छी लग रही है. और पहले कितने दिन ऊपर हो गए डेट कब की थी उनकी 8 थी. अच्छा 3 दिन बट 3 दिन में कहते यूपीटी निगेटिव आ गई. मैम अभी उन्होंने खुद ही किया था तो मेरे पास आज ही आई थी तो वो बोले कि मेरे मतलब मैंने टेस्ट किया था तो मेरे को मेंसेस नहीं आया. एटलीस्ट आई थिंक 8 दिन तो भी ऊपर होने जाने चाहिए ना मेरे विचार से. तो मैम मैंने भी फिर मैंने कहा मैं एक बार पूछ लेती हूँ ना तो फिर मैम वेट ही कर लेते हैं ना कुछ. हाँ वेट ही कर लेते हैं. यस वेट कर लेते हैं. यस मैम तो मैम एक जो पेशेंट थी वो यूट्राइन फाइब्रॉइड की तो उनको मतलब मेंसेस आज ठीक हो गए तो लेखन बस्ती के लिए मतलब ठीक है. अभी क्या चल रहा है दूसरा मेडिसिन उनको? कितने दिन हो गए मेंसेस आकर? 5वां दिन है छठा दिन है? मैम छठा दिन है उनका आज. ठीक है फिर कल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है लेखन बस्ती देना है. मैम उसके लिए ऑयल कौन सा यूज करना है? मैं डालती हूँ पूरा ना पूरा डालती हूँ. और क्या चल रहा था पहले हमने क्या दिया था थोड़ा रिपीट करिएगा मेडिसिन.
मैम उनकी चंद्रप्रभावती चल रही है और साथ में आपने वरुणादि कषाय गुडुच्ची और रोग्यवर्धिनी वटी बोला था। आई थिंक ये सब कुछ अभी हम लोग थोड़ा बंद करके ना अलग से कुछ स्टार्ट करते हैं। एक बार हमने उनका रिपोर्ट कब करवाया था यूएसजी? मैम अभी एक मंथ ही हुआ है उनको, मतलब ट्रीटमेंट लेते यूएसजी को भी। केवल फाइब्रॉइड था ना, दूसरा कुछ नहीं था ना समस्या? नहीं मैम कुछ भी नहीं था और अनमैरिड है पेशेंट। अच्छा ठीक है। फिर एज क्या है पेशेंट की? मैम 28 ईयर। अच्छा ठीक है, सोचते हैं फिर उसको क्या देना, मैं प्लान बताती हूँ आपको। क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कोई इनफर्टिलिटी का कुछ ये नहीं, सिर्फ फाइब्रॉइड को कम करवाना है। यस मैम। कंटिन्यू विद मात्रा बस्ती। विरेचन किया है एक बार इसका? यस मैम, अनुलोमन दिया था मैम उनको। क्लासिकल विरेचन किया है कभी इनका? नहीं मैम नहीं किया। क्लासिकल विरेचन दे देते हैं, मेरे विचार से पहले क्लासिकल विरेचन दे देते फिर बस्ती देंगे। अभी इस समय पे एक बार भी नहीं दिया है तो, है ना? तो घृतपान शुरू करिएगा पंचगव्य घृत से या महातिक्त से। तो उससे शुरू कर सकते हैं। चलेगा चलेगा, 25 ml से स्टार्ट करिएगा, फिर उनको बता दीजिएगा, है ना? यस मैम। मैम विरेचन के लिए विरेचक वटी यूज कर सकते हैं या कुछ और? बिल्कुल बिल्कुल, विरेचन के लिए विरेचक वटी देंगे या फिर आपका इच्छा विधि दे सकते हैं, एकाध गोली, उसमें कुछ नहीं। पहले घृतपान शुरू कर दीजिएगा फिर, है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम। रजनीत मैम, आप चंदन बरा लाक्षादि कौन सी कंपनी का यूज करती हैं तेल? मैम सर मेरे पास एक केरल की है कंपनी, मैं उसकी पिक भेज देती हूँ, मैं उनका यूज करती हूँ सर। ओके ओके, आप प्लीज भेज दीजिएगा। ओके, वैसे तो सर अभी एक ना निरोग स्ट्रीट करके ऐप भी है, आप उसमें भी ऑर्डर कर देते हो तो 3 दिन में ऑर्डर आपको मतलब मिल जाता है सभी आयुर्वेदिक फार्मेसीज का ना उसमें। अच्छा, तो उसकी भी आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो भी आपने ऐप बोली है उसका भी स्क्रीनशॉट एक भेज दीजिएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम, जो आपने ये बताया आंखों पे त्रिफला क्वाथ से धोना, मैम क्या उससे आई इरिटेशन वगैरह होगा क्या? नहीं होगा, आई डोंट थिंक, बिकॉज वो तो परफेक्ट है ना। आप उसको स्ट्रॉन्ग कम कर बनाइएगा, लाइक त्रिफला का क्वांटिटी में विचार, और फिर जैसे थोड़ा पहले में शुरू स्ट्रॉन्ग कम करेंगे। और क्या करना है आपको ना, कटोरी में लेकर उसमें आंखों को डुबा देना है ऐसे। मैं एक चीज और पूछनी थी, जो आपने अभी दांतों का लिया था सेशन, तो उसमें आपने बताया था फिटकरी का, और आपने एक बार बोला था कि जो खाने वाला सोडा होता है वो भी कई बार लोग यूज करते हैं। मैम ये फिटकरी और जो खाने वाला सोडा है, अगर लॉन्ग टर्म में हम यूज कर रहे हैं तो क्या ये जो शुक्र का क्षय भी करेगा? क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट तो स्टोमक में जाता है, जो भी हम कुछ दंत मंजन चाहे कुछ तो भी कर रहे हैं। फिटकरी का भी और खाने का सोडा तो मैं भी उसके ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, खाने के सोडे की यूज के, बिकॉज कहीं ना कहीं ये तो एक प्रकार का मतलब यही है, केमिकल युक्त ही हो गया। तो जैसे कुछ हम थोड़े समय के लिए यूज करके उसको गैप दे दे या फिर बंद कर दे, यही ठीक रहेगा। और नेचुरली जितना हो सके केयर करना, ब्रश करना और गंडूश का वाला शार तो जनरली तब भी कोई भी हम शार ले ले, लेकिन वो शुक्र का शायद तो करेगा अगर पेट में अगर लॉन्ग टर्म जाता है ना कोई भी शार। अगर इवन तो मतलब शुक्र का ही नहीं, बट धातु का क्षय या कोई भी लाइक कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट होगा ही होगा, तो वो हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए मेरे विचार से। मैं फिटकरी भी ऐसे ही करती है ना, अगर लॉन्ग टर्म तक हो लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे। यस मैम, जो कपूर आपने बताया वो भीमसेनी कपूर चल जाएगा ना उसमें? भीमसेनी कपूर चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। और मैम तीक्ष्ण अंजन कैसे बनेगा, जो आप अपस्मारका बता रही थी जो सब तीक्ष्ण, उसमें ना तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग करके तीक्ष्ण अंजन ऐसे है। तीक्ष्ण द्रव्य लाइक जैसे अभी मरीच है, पिपली है, ऐसे कुछ द्रव्य जो कि लाइक जाकर स्रोतसों के ऊपर काम करते हैं ना, उस टाइप में वो बताया है। खास करके उन्माद मतलब मनोव स्रोतस पर, मज्जाव स्रोतस पर जाकर काम करे। कैसे होता है ना कि उसमें उन्माद अपस्मार में कई बार स्ट्रॉन्गली लाइक उनको कुछ हो रहा है और हमने उसको डांट दिया, जोर से डांट दिया, तो पेशेंट कैसे शांत हो जाता है ना थोड़ा सा काउंसलिंग में भी। तो उसी टाइप में तीक्ष्ण अंजन का अगर उपयोग करते हैं तो उसको मतलब त्रासन ही चिकित्सा उसको देनी है, इरिटेट उसको करवाना है, ताकि वो थोड़ा सा मतलब उसके साइकोलॉजिकल फीलिंग्स बदल जाए और कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में रहे, उसके विचार कंट्रोल में रहे, फिर उसके साथ वो उसको फीट्स या झटके जो भी आते वो ना, इसके लिए वो किया जाता है। और मनोवस्त्र के लिए किया जाता है खास करके तीक्ष्ण, नासा ही शिरसोद्वारम और आंखों का मस्तिष्क के साथ कनेक्शन होता है, उसी विचार से वो किया जाता है।
मैम जो बादाम बनाया है उसमें केवल चूर्ण उसका करना है या फिर उसको पेस्ट पानी वानी मिला के पेस्ट करना है? दोनों भी आप चूर्ण भी करवा सकते हैं मिक्सर में जलाकर या जैसे खल्लू में खलवा में उसको कूट कर और फिर आपको बादाम को जलाकर भी काजल दिया जा सकता है। दोनों मेथड से यूज करे जा सकते हैं। मैम जो चूरण उसमें पानी मिला के लगाना है या फिर ऐसी बत्ती लगानी है? मतलब उस पानी नहीं, बादाम का पाउडर नहीं, बादाम का पाउडर अजवाइन डाल को बत्ती में मतलब बांधकर उसमें कॉटन में उसको रोल अप करना है, उसमें पानी नहीं डालना है, जरूरत नहीं है। वैसे भी बादाम थोड़ा हम लोग कूटते हैं तो थोड़ा मॉइस्ट हो जाता है ना, इसमें ये करने की जरूरत नहीं, पानी डालने की जरूरत नहीं। हाँ चंदन आपने लिया है, चंदन का वाला है जो उसमें पानी मिलाकर फिर चंदन को थोड़ा पेस्ट जैसे बना देना है। अच्छा हल्का सा पेस्ट उस। हाँ यस। मैं एक चीज और पूछनी थी, तामा जो कांसा आपने बोला है तो कांसा और जनरली हम घी और कांसे में नहीं रखते हैं, तो क्या कांसा जब हम घी वगैरह कुछ बना रहे हैं तो क्या ऊपर जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? हालांकि धुआं है वो तो कंबशन हो गया है। हाँ कंबशन हो गया तो कुछ नहीं होगा सर, वो तो मतलब एक्चुअली माना है, अच्छा ही माना है, कांस्य का ताम्र का दोनों के बर्तन अच्छे माने हैं इसके लिए, खास करके तांबे का ही दिया ले, तांबे का ही ऊपर कवर करे ऐसे बोला है। तो मैं क्या चांदी का भी ले सकते हैं इसमें? चांदी का नहीं सर, मैंने तो कभी देखा नहीं किसी को यूज करते हुए। मिट्टी का देखा का बेस्ट आपके हिसाब से कांसा है या मिट्टी का भी चलेगा? मिट्टी का भी घड़े दिया जाता है, यूज किया जाता है ना, तो मिट्टी का भी चल जाता। थैंक यू मैम। ओके सो चलिए आज के लिए हम लोग, आप सभी काजल अच्छे से बनाइएगा घर पे ही और यूज करिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, आज के लिए नमस्कार। ओके थैंक यू मैम।